प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जी बिंदल के इस्तीफे के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ने कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की मांग की है। कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने इस मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामला संगीन है और डायरेक्टर की गिरफ्तारी के साथ साथ जो आदमी रिश्वत दे रहा था उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक तौर में ऐसा प्रावधान है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द इस मामले में दोषी बिंदल को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और पीपी किट को लेकर जो ये घोटाला हुआ है, जो रिश्वत का कांड सामने आया है, और उसमें जो राजीव बिंदल जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनका नाम इसके जुड़ा है, ये हम समझते हैं कि ये बड़े चिंता की बात है। और सबसे पहली बात तो है कि ये विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, और सबसे पहला तो काम ये होना चाहिए था कि मुख्यमंत्री को खुद जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी इसकी, और खुद नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि सारा रूट वहीं से होता है। और ये जो झगड़ा है, जो 5 लाख का रिश्वत का मामला आया है, ये है कि डायरेक्टर ओवर एंड अबव मांग रहा था, जो कमीशन तय हुआ था उस कमीशन से भी ज्यादा पैसा मांग रहा था, और इस करके ये मामला सामने आया है। क्योंकि वो तो पहले कह चुके हैं कि हम तो दे चुके हैं, 5 लाख और देना है, इसलिए जो है ये मामला बहुत संगीन है। और जैसे डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, उसके तहत गिरफ्तारी हुई सेक्शन 7 के तहत, और सेक्शन 8 में ये आता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 8 में, कि जो आदमी रिश्वत देता है वो भी उतना ही गुनाहगार है, उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। जो पृथ्वीराज करके जो आदमी है जिसने रिश्वत का पेशकश किया, वो भी सेक्शन 8 के तहत आता है, उसको आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? हमारी मांग ये है कि पृथ्वीराज को गिरफ्तार करो, बिंदल को गिरफ्तार करो, और तब जाकर ये सारी बात सामने आएगी। राजीव बिंदल धूमल साहब के टाइम में, जब धूमल मुख्यमंत्री थे, ये स्वास्थ्य मंत्री थे, और उस दौरान में जितने भी खरीद हुई है इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम तो एक बात और आगे चलकर कह रहे हैं, राजीव बिंदल की प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए कि कितनी प्रॉपर्टी इस आदमी ने बनाई है। तो सिंपल एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, प्रैक्टिशनर था, आज वो करोड़ों रुपए का मालिक हो गया है। और ये जो सारा गड़बड़ घोटाला है, ये सारा जो है सरकार के साथ क्या आशीर्वाद से हो रहा है, ये तो सामने आ गया, क्योंकि वो ओवर एंड अबव 5 लाख और मांग रहा था। और मजे की बात क्या है, डायरेक्टर भी सिरमौर का, पृथ्वीराज भी सिरमौर का, राजीव बिंदल का कनेक्शन भी सिरमौर से, और आज वो दूसरी बार चुनाव वहां से लड़ा है और जीता है। और उससे बड़ी बात है कि उनका बेटी और दामाद जो है इसके अंदर शामिल है। तो ये सारे क्वेश्चन किए जाने चाहिए थे, आज तक क्यों नहीं किए? इसका मतलब है कि सरकार का शॉर्ट कॉर्नर है, सरकार इनके साथ मिली हुई है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि धूमल सरकार में भी राजीव बिंदल स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और उस समय में स्वास्थ्य विभाग में हुई खरीद फरोख्त की भी जांच की जानी चाहिए, साथ में बिंदल की प्रॉपर्टी की भी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सारा कुछ सरकार के शेम के चलते संभव हो पाया है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और बिंदल की गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पीपीई किट में भी सरकार घोटाला कर रही है और सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं है, और सरकार इसको दबाना चाहती है। और मैं तो ये कहता हूं कि जयराम ठाकुर जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और बिंदल को उससे पहले गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए, देश की जनता को पता लगे कि ये पीपी किट में भी घोटाला कर रहे हैं, उसमें भी रिश्वत खा रहे हैं। और इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। लोग मर रहे हैं, डॉक्टर नर्सेस तरस रहे हैं पीपी किट को लेकर, और ये उसको लेकर जो है ये सारा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि बिंदल के टाइम में जब वो स्वास्थ्य मंत्री रहा, उस समय की भी जांच होनी चाहिए, कितने प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर दिए, किन किन चीजों के दिए, और क्या उसमें एंगल रहा, वो सारा जांच होना चाहिए। और अभी तुरंत इसको गिरफ्तार करना चाहिए, बिंदल को, पृथ्वीराज को गिरफ्तार करना चाहिए, और मुख्यमंत्री को तो मॉरल ग्राउंड पर जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सारी फाइलें उनके, वो मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के।